अस्सलाम वालेकुम। 1965 पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी कौम की तारीख के हवाले से एक मारकतुल आरा साल है, और 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान फौज ने जो दुनिया को साबित कर दिया कि वो इस कौम के ऐसे सपूत हैं कि जो दुश्मन जो भी टेढ़ी आंख से पाकिस्तान की जानब देखेगा उसको उसके दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। और वहाँ उस मरहले पर कई हमारे जवानों ने जाम शहादत नोश किया और कई गाजी बनकर सुरखरू हुए। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड सरदार अब्दुल रऊफ मक्सी साहब, जो कि 1965 और 1971 के जो मारके हुए उसके हीरो हैं। और एक और सबसे बड़ा इनका एहसास ये है कि 1999 में जब मारकाए कारगिल बरपा हुआ तो इनके साहबजादे कैप्टन अली रऊफ मक्सी वो सबसे पहले शहीद होने का एहसास उनके हिस्से में आया। 25 बरस की उम्र में उन्होंने जामे शहादत नोश किया, वतन की मिट्टी पर अपनी जान कुर्बान की। कुछ इब्तदाई बात आपसे हो जाए, ज्वाइन कब करते हैं मिलिट्री को, क्या जज्बा था? उससे पहले आप मुजाहिद के तौर पर कश्मीर 1948 में कश्मीर की लड़ाई के लिए भी जा चुके थे। मेरे जहन में एक बात आई थी कि मौत वरा क्या सब ने मर जाना, लेकिन मरने का सबसे खूबसूरत अंदाज जो है वो शहादत माशाल्लाह, कि जिसके लिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में कि शहीद को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। वो जिंदा है, फिर यहाँ तक फरमाया कि उसको रिस्क मुहैया किया जाता है। दुरुस्त, दुरुस्त। तो जब ये चीज़ें पढ़ी मैंने कुरान में तो मेरे दिल में आया कि मुझे इस्लाम की खातिर मैदान जंग में उतरना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबसे बड़ा जो फ़ख्र है वो ये है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया। लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ बेटा, मैं कोई हीरो हीरो नहीं हूँ, मैं एक पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फ़ौज का और इस्लाम का एक सिपाही हूँ। ज़रा कश्मीर का 48 का मारका बताइए थोड़ा सा। 1948 में जब इंडिया ने अपनी फ़ौजें उतार दी कश्मीर में और उस पर कब्ज़ा कर लिया, तो 1948 में 2% टोटल पाकिस्तान आर्मी की थी, बाकी जो है मुजाहिदीन थे जी, जिसमें बहुत ज़्यादा पठान आए थे, ये फ्रंट केपी के कहते हैं अभी, उस वक्त दौर में तो सुबह सरहद कहते थे, वहाँ से आए, मुख्तलिफ जगहों से आए। तो ये लोग और फिर जो कश्मीरी थे इधर, और उसमें एक कौम का बड़ा जिक्र करूँगा जिनका मुझे आज भी याद है, सुद्दन, सदोजई पठान थे, सुद्दन कहलाते हैं। और किसी ने, ये नहीं है कि गुजर नहीं लड़े होंगे या कोई, हर कोई लड़ा। और जो किसी के पास हथियार नहीं है तो घर में वो सब्जी काटने वाली छुरी है वो उठाई और उसको किसी स्टिक के ऊपर बांधा और वो नेजा बना लिया, और जो हाथ आया उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया, डंडों से, लकड़ियों से। ये खैर जो आए थे, जत्थे आए थे पठानों के, इनके पास हथियार थे वो तो सारे। तब आपकी उम्र क्या थी? हम उस वक्त जवान थे, 20-22 बरस तकरीबन, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ तक कश्मीर में पहुँचे थे आप? ये हम तो खैर बहुत पीछे थे, ये आगे जत्थे जो निकले और जो ये निकले, और आर्मी की यूनिट थी गालिबन 11 बलोच थी, इन्होंने वो पांडो और वो सारा इलाका इन्होंने फतह किया। 65 के हवाले से आपका एक तुर्रा इम्तियाज ये है कर्नल साहब कि आपने जो जनरल तरंजन प्रसाद थे जिनका ये कहना था कि वो जिम खाना में जाकर शाम की चाय पियेंगे, उसकी जीप आपने अपने कब्जे में ली, यानी उस पूरे के पूरे ख्वाब को आपने शैटर कर दिया, वो जरा सुनाइए क्या सूरत है। दरअसल इंडिया ने चूंकि रात के अंधेरे में अचानक हमला किया था तो हम बाकी तो इलाकों में अलर्ट बैठे थे। ये इंसान नहीं सोचता कि वो इतने बड़े शहर पे अटैक करेगा, लाहौर जैसे।
ये नहीं कि हमने रूल आउट किया था, लेकिन ये इसका इम्कान क्योंकि पागल ही है जो इतने बड़े शहर पे आप अटैक कर लेंगे तो कैसे नहीं, जो आप वो शहर की गलियों में उलझ जाएंगे, तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड नहीं था जो हुआ, क्योंकि अचानक आया इसलिए फौरी तौर पे भाग के जाके पोजीशनें लेने वाली बात थी कि गाड़ियां नहीं हैं तो गले में ही ऐसे ही कोतों में से हथियार निकाले और मैगजीन से एमुनिशन उठाया, गले में बेल्टें डाली, गोलियां की भाग पड़े, इस तरीके से ये पहुंच गए। अब क्या हुआ कि जब वहां जाके हमने बीआरबी से उनको पीछे धकेला, तो उसके बाद पहली चीज़ जो सुबह को हमने, वो 6 सितंबर को आए थे, 7 सितंबर तक हमने ये ले लिए हुए थे। अभी 7 और 8 की रात को ये प्लानिंग हुई कि इंडिया से अपना बड़ा एक कस्बा था भसीन, वो वापस लिया जाए, ताकि इंडिया को ये पता चले कि हम बीआरबी के पीछे ही नहीं सारे, हम आगे भी आए हैं और हम लड़ रहे हैं। चुनाचे वो प्लानिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ट्रूप्स अवेलेबल थे उनके साथ अटैक हुआ और गालिबन ब्रिगेडियर मुजफ्फर रिटायर्ड उस वक्त मेजर कैप्टन थे, उन्होंने वो अटैक में हिस्सा लिया, उनके साथ जनरल और एग्जई उस वक्त कैप्टन मेजर थे, तो टैंकों वाले वो भी थे, तो मुख्तसर उन्होंने वो कब्ज़ा ले लिया। ये भसीन जो है ये 7-8 की रात को हमने छीन लिया, वापस ले लिया, ले लिया। अब सुबह को जब सुबह हुई और पोजीशनें लगाई गईं, रीऑर्गेनाइजेशन इसे हम कहते हैं, तो रीऑर्ग के बाद देखा तो दूर से एक जीप नज़र आई आते हुए, जिसके ऊपर रेड प्लेट थी और 2 स्टार थे और ऊपर झंडा रेड सुरख फ्लैग लगा हुआ, तो वो लड़कों ने दूरबीन से देखा, उन्होंने कहा कि सर जीप आ रही है और शायद कोई जमैल है, तो अच्छी बात है। तो वो जवान थोड़े एक्साइटेड हो गए, वो फायर शायर कर दिया, तो जनरल जो है वो दूर से ही जीप से छलांग लगा के गए सलूटों शलूटों में और कमाद के जो खेत थे उनमें भाग गया। खैर वो जीप हमारे हाथ चढ़ गई, उसमें बुलेट्स लगी हुई थी, चल नहीं सकती थी, खैर उसको रस्सा मसा बांध के घसीट घसाट के ले आए। तो उस जीप के अंदर जब वो तलाशी ली तो उसमें से एक तो जनरल निरंजन प्रसाद की ज़ाती डायरी मिली हमें, उसमें बहुत कुछ जंग के मुतल्लिक़ का, फिर उनके नक्शे हमारे हाथ आए जो कि इंडियन ऑफेंसिव प्लान के मुताबिक मार्क किए हुए थे, उस पर पाकिस्तान आर्मी ने अपना डिफेंस प्लान किया। ब्रिगेड कयूम शेर थे ब्रिगेड कमांडर, उन्होंने अप्रिशिएट किया, अल्लाह जन्नत नसीब करे ब्रिगेडियर अख्तर आलम उस वक़्त सीओ थे, कमांड कर रहे थे, तो इस तरीके से वो हमारे कब्ज़े में आ गए। उससे फिर जब पता चला तो और वो उस जीप पे निरंजन प्रसाद जो हैं जनरल प्रसाद वो आ रहे थे कि मैं जिम खाना, वो आ रहे थे इंस्पेक्शन करने उस इलाके की जो कब्जा किया था इंडिया ने, उसको नहीं पता सीन वगैरह का, हाँ जो हमने जो उनके इलम में नहीं था, और अपनी तरफ से वो उस फाते शुदा इलाके का वो दौरा करने आए। वो सुबह पहली रोशनी के साथ निकले हैं, अच्छा, हम लोगों ने कोई सुबह में ख्याल है 2:30-3 बजे के करीब कब्जा मुकम्मल लिया होगा। और ये जो उस मौके के ऊपर फाइट का क्या आलम रहा, ज्यादा हुई कम हुई या इंडियन भाग गए? नहीं, इंडियन ने बड़ी अच्छी फाइट की। लाम नबी भी आपका एक आप बता रहे थे, वो क्या सूरत थी जी? वो बचा एक जख्मी हो गया। अच्छा जी, और स्पोर्ट्स का था? स्पोर्ट्स खिलाड़ी था, तो जब वो था फैसला बार गया तो उसने वो जब हम तो जंग में आगे बढ़ जाते हैं ना, तो फौज आगे बढ़ रही थी तो उसको गोली लगी थी, तो उसने आवाज़ दी कि साहब जी मैनू छड़ के ना जाना। वो केड़े हैं जी? मैं गुलाम नबी हाँ। अच्छा तू अपने आप न हौसला रख, असी कब्जा करके तो आने तेरे वास्ते। फिर वो कब्जे के बाद उसको वहाँ से रिट्रीव किया। तो सर वो कितनी देर तक वो जारी रहा मार्का? ये मार्का तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे। अढ़ाई तीन घंटे और कितने लोग थे आप? हमारे पास तो थोड़ी फौज थी, हमारे पास हमेशा से जंगे बदर से लेके आज तक मुसलमान किल्लत में रहे हैं और गनीम
अकलियत में, वो उसमें रहा है। तो ये तो अल्लाह की तरफ से। आप ये समझ लें कि 65 की जंग में भी जो थे, कम से कम रेशो जो था इंडिया का हमारा, वो 1:5:1:7 का रेशो था। 1:5, 1:1 हम और 5 से 7 वो, सात वो। और इस तरह से बहुत जगह ऐसी थी जहाँ वो 11 थे, हम 1 थे। 1:11 के रेशो से भी जंग हुई। तो फिर तो दादे शुजात क्यों ना समेटते हमारे जवान, कि जिन्होंने एक एक अकेला 11 के ऊपर भारी हुआ। ये सिर्फ वो क्या कहते हैं, वो जो है ना, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। बेटा जंगे बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की, 65 और 71 में भी अल्लाह ने मदद की। अरे भाई ये तो बहुत खूबसूरत पहलू आप बता रहे हैं, कैसे? आप ये देखें कि 65 में जो इंडिया की कुव्वत थी और जिस तरीके से वो आया था, उसके सामने तो फौज थी नहीं। वो तो चंद एक छोटी छोटी पोस्टें रेंजर्स की थी जिनको रौनता हुआ वो बढ़ा गया। और जब ये जंग शुरू हुई है उस वक्त हम लोग हॉकी का मैच खेल रहे थे। अच्छा जी। तो ये गोले शोलों की आवाज़ शुरू हुई तो खबर लगी, फिर आगे से खबर आई कि भाई वो तो इंडिया ने अटैक कर दिया रात को। तो जब ये अटैक का मसला हुआ तो फिर हुक्म हुआ दौड़ो पहुंचो, तो पहुंच गए। उस वक्त ये 17 पंजाब थी, राजा अजीज़ भट्टी वाली, कर्नल शफकत बलोच वाली, इसको ऑर्डर मिला ये बरकी सेक्टर में जाके, तो BRB डिप्लाई हुए। और इनमें शफकत बलोच आगे गविंडी पे था एक कंपनी के साथ, उसको टास्क था कि तुम दुश्मन को 1.5-2 घंटे के लिए रोक लो तो हम पोजीशन ले लें। तो बहरहाल उस जवान ने कोई 24 घंटे लड़ा, उसको गोली भी लगी और वो लड़ता रहा। कोई उसने 15-16 अटैक दुश्मन के रिपल्स किए, तो उसके बाद वो फॉल बैक हुआ, तो ज्वाइन किया मेन को उसने। तो हमारा जो था, हमारी जो पलटनें थी, मेरी पलटन के पास जो था ये BRB, ये जल्लो ना शामल से साइफन तक थे। फिर बाद में जब और पलटनें आती गई तो प्लग इन होता गया और शॉर्ट करके ना उतनी जगह पे फिर हम वापस ले आते हैं यूनिट को जहाँ जो डिफेंस कर सकती है। शुरू में जब हम इन हुए थे उस वक्त तो ये था कि किसी तरीके से जगह पकड़ो, दुश्मन को रोको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बड़े कामयाब थे और हमारी दहशत जैसी बैठ गई दुश्मन पे कि उसका पिता पानी हो गया। यानी वो जो फील्ड मार्शल अयूब ने कहा था कि दुश्मन को पता नहीं कि उसने किस कौम से को ललकारा है, और वो साबित हुई बात। पाकिस्तान के इतने करोड़ आवाम जिनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमात बसते हैं, उन पे रात के अंधेरे में छुपके से दुश्मन, बुलदिल दुश्मन ने हमला किया। अच्छा कर्नल साहब, खुद लाहौरियों ने बड़े उस मौके के ऊपर बहादुरी के मुजाहरे किए, कुछ उसका? लाहौर वाले लाहौरी है, लाहौर लाहौर है। ये लोग पागलों की तरह आगे आते थे मोर्चों में, वो यार खुदा के लिए हमें जंग लड़ने दो, तुम लोगों को जरूरत नहीं है यहाँ, हम हैं जी, नहीं असी लड़ना, सानू हुक्म दो। भाई क्या तुम्हें हुक्म दें, कोई काम दसो। अच्छा और कुछ नहीं तो फिर हम उनसे कहते अच्छा वो पीछे बक्से पड़े हुए हैं मनीषण के, उठा के इधर ले आओ, इधर रख दो, और या फिर इधर से उधर शिफ्ट कर दो। इस तरीके से बहाने से उनको काम पे लगा के उनको सेटिस्फाई करके फिर वापस भेजते थे, वरना वो तो छोड़ दे। अच्छा ये हमारा खाना तो तरीका है फौज का कि वो रात के अंधेरे में ही नाश्ता आता है और दोपहर का लंच भी रात के अंधेरे में ही दे जाते हैं सुबह, और फिर रात को अंधेरा होने के बाद देना रहता है। तो ये जो सिस्टम था सारे दिन तो हम वो भूखे भी हैं और वो खाना ख़राब भी हो जाता था, लेकिन लाहौरिये वो जनाब टांगे रेड़ों पे डाल के वो देखे और खाने पकाओ पका के वो भाजी खाओ यार खुदा के लिए। तो ये इनका जज्बा जो है ये माशाल्लाह। अच्छा इसी तरह से 71 की जंग में भी, मैंने मैं अर्ज़ करूँ, मैं ये मेरी यूनिट जो थी 71 में,
ये साइफन की परली तरफ थी काला खताई तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मन की बहुत सी पोजीशनें छीनी। इकहत्तर का इसलिए ज़्यादा जिक्र लोग नहीं करते कि जी ईस्ट पाकिस्तान चला गया। भाई ईस्ट पाकिस्तान चला गया, उधर भी ऐसे नहीं दे दिया, इतनी सी फौज थी टोटल। आपके लड़ने वाले तो 30-35 हज़ार बंदे थे जिनके ऊपर इंडिया 6-8 लाख से हमला कर रहा है। टोटल 35 हज़ार लोग, बाकी जो आप कहते हैं 90 हज़ार थे, तो भाई जो सिविलियन थे, क्लर्क्स थे, फलां थे, चपरासी, नाई, मोची, सब शामिल हैं। आपके सिविल आर्म फोर्सेस में थे, पुलिस वाले, ये सारे जो हैं सोशल, वो भी जी 90 हज़ार के, 93 हज़ार फौजी नहीं था, फौजी तो टोटल 30-35 हज़ार फौजी था। और वो भी लड़ा है, और वो भी एक अकेले ने, आपने कहा कि पूरी ब्रिगेड को, चार लड़कों ने एक डिवीजन का टैग रोके रखा तकरीबन। मैं कहता हूँ इंडिया को, इंडियन जर्नल्स ने हमारे लोगों की बहादुरी का एतराफ किया, तब भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी फौज में बेटा, हम लोग जो दिफा कर लेते हैं या दुश्मन से कोई इलाका छीन लेते हैं, ये जज्बों के साथ लड़ते हैं। और ये जज्बा जो आपके अंदर मौजज़न और आप जैसे जवानों में मौजज़न रहा, वो आपके साहबजादे शहीद कैप्टन अली रऊफ मक्सी तक भी पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ उस हवाले से बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे बेटे ने मेडिकल कर रहा था, तो उसने मेडिकल छोड़ के आर्मी ज्वाइन की। और बड़ा अजीब सा वाक्या है, मैं उम्रे के लिए गया हुआ था, मेरी दो बेटियां जवान थीं, रमज़ान का महीना था, उन बच्चियों के रिश्ते बहुत सारे आए हुए थे, तो हम प्लान कर रहे थे, तो अली साहब ने मुझसे चोरी आर्मी के लिए अपीयर हो गए, टेस्ट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटे को मैंने आर्मी में भेजा, फिर मैंने जो यूनिट्स मैंने सर्व की थी उनको कहा जो इसको लेना चाहता है वो ले ले। तो सब यूनिट्स ने ट्राई किया, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश एक ऐसी यूनिट ने की जो मैंने 71 में खड़ी की थी, रेस की थी, तो वो उसमें चला गया। वहीं से वो, मैं उसको देखने गया, छोड़ने भी मैं गया उसको, मैंने अमेरिका जाना था। उन्होंने कहा सर इसकी ज्वाइनिंग लीव छोड़ें, इसको आप अपनी खुद एक दफ़ा यूनिट में ले आए। तो मैं गया, उसको मिला दिया, फिर मैं आ गया। कुछ एक महीने के बाद मैं यूनिट में, 4 महीने के बाद गया, तो मैंने देखा कि मेरा बेटा बड़ा शहजादों की तरह घूम रहा है और बड़ा VIP। और मैं गया तो वो मैस में बैठा TV देख रहा था। मैंने कहा तुम इधर क्या कर रहे हो? क्या बुझी वो? फिर मैंने कर्नल साहब से पूछा, मैंने कहा सुबह सादिक ये क्या है, इसको तुमने क्या हाथ का छाला बनाया हुआ है? मैंने कहा ये सिपाही है, रॉब हिम, ब्लीड हिम, मेक हिम ए सोल्जर। तो सुबह सादिक बहुत अच्छा, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। तो सुबह सादिक ने फिर इसको कमांडो में डाला, कमांडो ये जीत के आया ट्रॉफी, फिर असॉल्ट कोर्स में डाला, वो ट्रॉफी जीत ली। तो ये माशाल्लाह बेटा मेरा बड़ा इस मामले में बेहतरीन। उसने एक वक्त ऐसा आया मुझे GOC, उसका जो GOC था कारिया में, उसने कहा कि बाबा जी से कहें, अली से कहें कि कोई ट्रॉफी किसी और के लिए भी छोड़ दे। और जिस दिन वो शहादत होती है उससे 15 मिनट पहले आपकी उनसे, जी हाँ, मेरी 10 मिनट आप ये सब महीने 20 मिनट पहले 10 बजे मैंने बंद किया, तो मेरा क्लॉक टन टन बजा रहा था। तो मैं उसको बता रहा हूँ कि तेरी शादी की तारीख तय हो गई है, और बेटा तू फलां तारीख को एडवांस पार्टी के साथ नौशहरे आएगा, फलां दे मेन बॉडी फलां तारीख, तो तू छुट्टी आएगा उस दिन, तेरी फलां दिन शादी है, तो खुश हो। उसने कहा अबू जब आपकी हुई थी आप खुश थे? मैंने कहा मैं तो वीकेंड पे था, गन पॉइंट पे शादी की थी, मुझे तो खुशी एकदम ही नहीं थी। तो मैंने कहा, कहता है अबू बहुत खुश हूँ, लाजमी बात है। तो मैंने कहा ये धमाकों की आवाज़ें कैसी? कहता है वो इंडिया वालों को पता चल गया है ना कि मेरी शादी की तारीख तय हो गई है, तो खुशी में पटाखे चला रहे, जो गोलाबारी हो रही थी वो कहते ये पटाखे चला रहे। तो बड़ा जिंदा दिल बच्चा था यार वो,
और 15 मिनट बाद आपको फिर इस्लाम 10-20 पे मुझे फोन आया कि। लेकिन एक और चीज़ अर्ज कर दूँ, उस बच्चे की शहादत के साथ उसके डेड बॉडी के साथ जो सामान था, मुझे वो अफसर ने कहा कि ये हैंडिंग टेकिंग ओवर कर रहे हैं फौजी काम। तो मैंने कहा बेटा मेरा बेटा आ गया है, चीज़ें नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं सर, एक इसने कोई डायरी में कोई मैसेज लिख के ना उस पर टेपें लगा के वो सील किया और कहा था मेरे पेरेंट्स के अलावा कोई इसको हाथ ना लगाए। तो वो टेपें काटी जब तो उसने बाकी सफ़े स्टेपल किए हुए थे, सिर्फ दो सफ़े ऐसे खुले। वो जो खुले तो उस पर जो लिखा हुआ था आप रोंगटे खड़े कर देने वाला है, अल्लाह ने उसको पहले से इंट्यूशन दे दी थी कि तूने शहीद होना। तो जो शहीद हो जाए, जो बंदा दुनिया में बैठा, मैं लिख रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि आई विल यू शुड बी प्राउड ऑफ मी दैट आई विल गिव माई लाइफ फॉर द मदरलैंड, आई विल, आई शैल, आई विल। वो लिखता है डियरेस्ट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योर टीयर्स। You all must be proud on me that your son Ubleek brother has given his life for the motherland. Has given. Ami ji, I know it is very difficult for you to handle this situation. This is part of life. Akhri uska jo fikra hai, usse pata chalta hai ki usko shahadat ka ilm tha. Mera chota beta hai, Hasan Hani kehte hain pyar se. To wo likhta hai closing sentence. Hani's son should join 40 Baloch regiment. Khuda hafiz forever. This is the last sentence. So obviously Allah laga le so pata tha ki usko ilham tha khuda ki taraf se. हमारे साथ कन्नर रिटायर्ड सरदार अब्दुर्रऊफ बख्शी थे और ये सन 65 के सन 71 के इनके साहबजादे कैप्टन अली रऊफ बख्शी कारगिल के मार्के के शहीद, ये हमारे हीरोज़ हैं। और जो बातें आपने अभी इनसे सुनी हैं वो हर पाकिस्तानी का दिल करता है कि अल्लाह ताला उसे ये जज्बा दे और वो भी वतन के लिए इसी तरह से अपनी जान का नजराना पेश करे। वक्त की कमी की वजह से हम इनसे गुफ्तगू को जारी नहीं रख सकते, लेकिन इनसे फिर ज़रूर तफसीली इंटरव्यू के लिए टाइम लेंगे। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।